हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी आप लेजर क्रिएट करते हैं और उसको अगर आपको वेरीफाई करना हो कि जो आपने लेजर क्रिएट किया है उसका फर्म नेम, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर करेक्ट है या नहीं है, तो ये इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वो तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो है अपनी पार्टी को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो जीएसटी पर रजिस्टर्ड है या जीएसटी नंबर जो उन्होंने आपको दिया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में और देखें ध्यान से इन सारी चीजों को। अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहती है। और अगर मार्क से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए आपको या बाय करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए मैं सबसे पहले एक लेजर ऐड कर लेता हूँ। तो मैं गया मास्टर में, मास्टर में जाने के बाद लेजर, लेजर में जाने के बाद न्यू लेजर पे क्लिक करता हूँ और सभी डेटर मैंने सेलेक्ट किया और पार्टी का नेम मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ जैसे सॉफ्टटेक टेक्नोलॉजीज। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे एड्रेस फुल नहीं डालता, सिर्फ मैंने डाल दिया दिल्ली और मैंने मोबाइल नंबर भी नहीं डाला अभी और जीएसटी नंबर डाल देता हूँ मैं CTLPM6999K1ZJ। तो मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया। उसके बाद मैं इसको Ctrl+W से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों ये पोर्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा लेजर डिटेल, फिर दोबारा से आपको इस पे एंटर करना है। और एंटर करने के बाद दोस्तों आप यहाँ नीचे की साइड में अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है जीएसटी वेरिफिकेशन। तो आपको सेम जैसे ही आपने लेजर क्रिएट किया वैसे ही लेजर डिटेल पे आपको एंटर करना है और यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है कि ये पार्टी जो आपने बनाई है इसका जीएसटी पैन या इसका फर्म नेम करेक्ट है या नहीं है। तो जीएसटी वेरिफिकेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डिटेल्स वो है जैसे कि आप यहाँ पढ़ भी पा रहे हैं कि आवर डिटेल्स, आवर रिकॉर्ड जो अभी आपने क्रिएट किया है और ये है जीएसटी रिकॉर्ड्स, मतलब जो इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपने यानी कि एंटर किया है उसमें तो आपने सिर्फ दिल्ली डाला है बट इनका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है इसमें ये एड्रेस जो है मेंशन है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो ये सेकेंड ऑप्शन आप देख पा रहे हैं अपडेट नेम एंड एड्रेस, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये दोस्तों अपडेट हो चुका है। जैसे मैं इसको स्केप करता हूँ, अब दोबारा से दोस्तों मैं इस पे एंटर करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे अब ये जो भी आप एड्रेस देख पा रहे हैं आप ये पूरा का पूरा जो है अपडेटेड है, जो अभी हमने अपडेट किया था कि जो भी इनका रिकॉर्ड जीएसटी पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ऑटोफिल हो जाए तो आपको डालना नहीं पड़ा मैनुअली। और आपका यहाँ पे ये भी वेरीफाई हो गया कि ये पार्टी जो है एकदम एक्चुअल है, करेक्ट है। और अगर मैं यहाँ पे दोस्तों ये करता, चलो मैं एक और लेजर क्रिएट कर लेता हूँ और एक ये मैं डाल देता हूँ सपोज सॉफ्टटेक इंडिया और एड्रेस मैंने इनका मेंशन कर दिया दिल्ली और उसके बाद मैंने इनका जीएसटी नंबर भी डाल दिया और जीएसटी नंबर इस बार मैं गलत डाल देता हूँ। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे अगर जीएसटी नंबर गलत है तो सॉफ्टवेयर पहले ही आपको बता देगा, बट अगर आप फिर भी इसको क्रॉस कर रहे हैं यानी कि यस करके आगे बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सेव कर दीजिए लेजर को। और जैसे ही लेजर डिटेल पे आप एंटर करेंगे तो ये ऑप्शन आ ही जाता है आपके सामने वेरीफाई जीएसटी। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए ये भी आपको एरर दे रहा है कि ऐसा कोई भी जीएसटी जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता अपने गवर्नमेंट पोर्टल की जीएसटी के पोर्टल पे, तो कोई भी ऐसा जीएसटी नहीं है। तो आप यहाँ पे जो है ये डिफाइन कर सकते हैं कि अभी जो आपकी पार्टी है जो इनका जीएसटी है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो आप इनको दोबारा से कांटेक्ट करके जो भी इनका एक्चुअल जीएसटी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाली पार्टी तो आपको बिल्कुल करेक्ट जीएसटी देने की कोशिश करती है और कुछ जो है अल्फाबेटिक में नंबरिक्स नंबर में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे अगर किसी में वन है तो वो आई, कभी कभी आप जज कर लेते हैं कि वो आई है, या कोई आई है तो उसे हम वन नंबर से जज कर लेते हैं, ऐसे ही दोस्तों जीरो को हम ओ से जज कर लेते हैं या ओ को जीरो से जज कर लेते हैं, तो इस तरीके से भी जो है जीएसटी की मिस्टेक हमसे हो जाती है। तो इसके लिए दोस्तों आप अपनी पार्टी से कोऑर्डिनेट करें और जो भी उनका एक्चुअल जीएसटी करेक्ट जीएसटी आप उनसे रिसीविंग करके अपने लेजर में मेंशन करें। और पहला ऑप्शन तो दोस्तों यही है, आप अपनी पार्टी का जो भी एड्रेस है या वेरीफाई करने के लिए कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन दूसरे इसमें दे रखा है मास्टर में जाके, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ईज ऑफ जीएसटी, ईज ऑफ जीएसटी में जाएंगे और यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे क्लिक करना है पार्टी जीएसटी नंबर एंड स्टेट अपडेशन। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे जितने भी आपके लेजर क्रिएट हो रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जैसे कि जो जो आपका वेरीफाई हो चुका है यहाँ पे वो यस बन के आ जाएगा जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बट अगर आपको फिर भी वेरीफाई करना है तो दोबारा से आप एंटर करेंगे और इसमें तो जीएसटी है नहीं तो मैं पहले वाली पार्टी पे ही एंटर करता हूँ।
तो मैं इस पे एंटर एंटर करता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा नहीं, क्योंकि क्या है कि हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। तो अब हम एक लेजर और क्रिएट कर लेते हैं और किसी अदर नेम से कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और लेजर बना लेता हूँ, सॉफ्टटेक दिल्ली, और इनका जो जीएसटी नंबर है वो जीएसटी नंबर मैं बिल्कुल करेक्ट डालता हूँ कि क्या जीएसटी है, कि आपको मैं वहाँ पे भी दिखा सकूँ प्रैक्टिकल कि आप बल्क में भी एक साथ कर सकते हैं, कि आपने पार्टी को क्रिएट तो कर दिया बट आपके पास समय नहीं था कि आप उनको वेरीफाई कर सकें। तो अब आप क्या करेंगे, मास्टर में जाके ईज ऑफ जीएसटी पार्टी स्टेशन एंड डिटेल्स पे जाएंगे। अब ये देखिए, जो मैंने अभी पार्टी क्रिएट करी है जिसमें सारी की सारी एक्चुअल डिटेल्स है, ये वाली पार्टी है वो, और यहाँ पे आपका जो वेरीफाई का ऑप्शन है वो नो आ रहा है। तो अब हम इस पे एंटर करेंगे, कंटिन्यूसली एंटर एंटर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लास्ट में ये ऑप्शन आपको शो हो जाएगा जो हमें पार्टी के टाइम पे शो हो रहा था। अब जैसे हम इसे यस करेंगे, जो भी इनका जीएसटी का रिकॉर्ड है जो हमारे जीएसटी पोर्टल पे वो शो हो जाएगा, और जो आपने अभी यहाँ पे बनाया है वो दोनों को मैच कर देगा। अब आपको अपडेट करना है तो वही सेम एक्शन आप ले सकते हैं जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें अपनी पार्टी को वेरीफाई करना है, कैसे इन सारी डिटेल को जो है आपको अपडेट करना है, ये सारी इस वीडियो में आपने समझी है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं जो भी आपका कमेंट है। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और कोई भी मार्क से रिलेटेड आपको सर्विसेज चाहिए या बाय करना है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।